जैसे कि मैंने बोला कि भाई मैंने जो था यहाँ पे आपको ये पहले वाली वीडियो में ये 10 कंपाउंड्स दिए थे राइट, तो इसमें आपको स्टेट्स ऑफ मैटर फाइंड करना था। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आपको या तो ये देख के करना था कि भाई हमारे को लिक्विड तो फाइंड आउट करना है नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टू लिक्विड्स एंड द लिक्विड्स आर नॉट गिवन ओवर हियर, ठीक है ना। देर इज नो दिस थिंग एच डी एंड देर इज नो बी आर राइट, सो दैट्स द रीज़न हमारा लिक्विड का स्टेट ऑफ मैटर कैंसिल हो जाता है, हमारे को लिक्विड फाइंड आउट नहीं करना। गैसेस में हमारे पास ना ही यहाँ पे एनकोहॉफ है ना ही नोबल गैसेज है राइट, एनकोहॉफ और नोबल गैसेज हमारे पास कहीं भी नहीं है, तो वो वाले भी हमारा ये जो पॉइंट है कैंसिल हो जाता है। मतलब हम सिर्फ रिलेट कर रहे हैं सॉलिड से नहीं तो एक्वस से, ठीक है ना। तो अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि ये सारे जो होंगे वो सॉलिड होंगे या एक्वस होंगे। तो अब भाई मेरे पास है सल्फाइड, तो सल्फाइड हमारा क्या है भाई, हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड है। सल्फाइड जो है वो हमारा इनसॉल्युबल है, लेकिन कैल्शियम कोई भी हमारा वो नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, तो दिस इज़ गोइंग टू रिमेन सॉलिड नेचर। NO3 क्या है, नाइट्रेट हमारा जो है वो सॉल्युबल है, ठीक है ना, लेकिन उसके पास कोई एक्सेप्शन है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी एक्वस इन नेचर, ठीक है। अब Cl जो है वो हेलोजन है, लेकिन देर इज़ अ एक्सेप्शन विद Ag विच इज़ मेकिंग इट्स इनसॉल्युबल, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट बिकम्स सॉलिड इन नेचर दिस कंपाउंड। PO4 इज़ इनसॉल्युबल, ठीक है ना, लेकिन क्या कहते हैं विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स विच इज़ Na इट बिकम्स सॉल्युबल, सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ एक्वस इन नेचर। अब यहाँ पे आ जाते हैं NH4OH है, तो हाइड्रोक्साइड इज दो इट इज़ इनसॉल्युबल विद NH4 इट बिकम्स सॉल्युबल, सो हैंस द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी एक्वस। अच्छा, अब ये हमारे पास सिल्वर एसीटेट है, तो एसीटेट का हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं, विच इज़ मेकिंग इट दो एसीटेट इज सॉल्युबल इन नेचर एक्वस, देर इज़ नो एक्सेप्शन विच इज़ मेकिंग इट इनसॉल्युबल, सो इफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू रिमेन एक्वस, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन कैल्शियम एसीटेट है, तो कैल्शियम एसीटेट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्वस, बिकॉज देर इज नो एक्सेप्शन लाइक आई सेड, है ना, तो एज एसीटेट इज सॉल्युबल नेचर दिस कंपाउंड इज ऑल्सो गोइंग टू डिजॉल्व इन वाटर। नाउ हमारे पास कार्बोनेट आ जाता है, कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन नेचर सॉलिड, ठीक है, तो बट देर इज ओनली ग्रुप 1 एलिमेंट्स हु आर मेकिंग कार्बोनेट सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज ऑफ दैट रीजन बेरियम इज नॉट देयर इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स, दिस कंपाउंड इज गोइंग टू रिमेन सॉलिड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग CO3 पे, अगेन कार्बोनेट इज विद अमोनिया, NH4 ओनली ग्रुप 1 एलिमेंट्स लाइक ओवर हियर आई सेड, है ना, ओनली ग्रुप 1 एलिमेंट्स कैन मेक द कार्बोनेट डिजॉल्वेबल और सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस कंपाउंड इज गोइंग टू रिमेन सॉलिड इन नेचर। नाउ आ जाते हैं हम एल्यूमिनियम परक्लोरेट, तो क्लोरेट परक्लोरेट का कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि परक्लोरेट का कोई एक्सेप्शन नहीं है, विच इज़ मेकिंग इट सॉलिड, एज परक्लोरेट इज सॉल्युबल इन नेचर, सो दिस कंपाउंड इज गोइंग टू रिमेन एक्वस मीन्स डिजॉल्वेबल इन वाटर एंड फॉर्मिंग नो प्रेसिपिटेट। सो आई होप यू गाइज गॉट योर आंसर्स एंड योर आंसर्स आर मैचिंग विद दीज आंसर्स, ठीक है ना। प्रैक्टिस चिल्ड्रन एंड प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन्स परफेक्ट, केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, एंड आई एम एलिस राज एंड आई एम साइनिंग ऑफ।